हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग मालदीव के हमारे दौरे में आपका स्वागत है। मालदीव दक्षिण एशिया में स्थित द्वीपों का एक समूह है और पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। प्राचीन सफेद रेत के समुद्र तटों, क्रिस्टल क्लियर वाटर और लग्जरी रिसॉर्ट्स के साथ मालदीव कई लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। स्थान और जलवायु, मालदीव हिंद महासागर, श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देश 26 अटोल से बना है, जो 1190 से अधिक प्रवाल द्वीपों से बना है। मालदीव में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहां साल भर तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मालदीव घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक है, जब मौसम धूप और शुष्क होता है। समुद्र तटों, मालदीव अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत में से कुछ हैं। मालदीव में समुद्र तटों की विशेषता उनकी प्राचीन सफेद रेत, क्रिस्टल साफ पानी और जीवंत समुद्री जीवन है। मालदीव में घूमने के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन समुद्र तट हैं। वेलिगांडो द्वीप बीच, यह समुद्र तट उत्तरी अरी एटोल में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है और अपनी नरम सफेद रेत और फिरोजा पानी के लिए जाना जाता है। समुद्र तट समुद्री कछुओं और रंगीन मछलियों सहित कई प्रकार के समुद्री जीवन का भी घर है। फुल्धो बीच, यह एकांत समुद्र तट एटोल में फुल्धो द्वीप पर स्थित है। समुद्र तट हरे भरे वनस्पतियों से घिरा हुआ है और समुद्र के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए भी यह एक बेहतरीन जगह है। माफोशी द्वीप बीच, यह समुद्र तट माफोशी द्वीप पर स्थित है, जो मालदीव के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तट ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है और स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और जेट स्कीइंग सहित कई प्रकार की जल गतिविधियां प्रदान करता है। कोको आइलैंड बीच, ये बीच कोको आइलैंड पर स्थित है, जो साउथ मेल एटोल का हिस्सा है। समुद्र तट अपनी खस्ता सफेद रेत और साफ फिरोजा पानी के लिए जाना जाता है और तैराकी और स्नॉर्कलिंग के लिए एक शानदार जगह है। रेती बीच, यह समुद्र तट रेठी द्वीप पर बायटोल में स्थित है। समुद्र तट हरे भरे वनस्पतियों से घिरा हुआ है और समुद्र के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए भी यह एक शानदार जगह है, जहां विभिन्न प्रकार के रंगीन समुद्री जीवन देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर मालदीव दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और प्राचीन समुद्र तटों के साथ समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। पानी के खेल, मालदीव पानी के खेल के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। हिंद महासागर का साफ गर्म पानी स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और सर्फिंग जैसी गतिविधियों के लिए सही वातावरण प्रदान करता है। मालदीव अपने विविध समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है और आगंतुक रंगीन प्रवाल भित्तियों से लेकर शार्क और मंचा किरणों तक सब कुछ देख सकते हैं। द्वीप रिसॉर्ट्स, मालदीव अपने शानदार द्वीप रिसॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। ये रिसॉर्ट निजी समुद्र तटों, ओवर वाटर बंगलों और स्पा उपचार सहित विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। कई रिसॉर्ट कई गतिविधियों की पेशकश भी करते हैं, जैसे खाना पकाने की कक्षाएं, योग और यहां तक कि पानी के नीचे भोजन करना। स्थानीय संस्कृति, मालदीव की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और आगंतुक स्थानीय गांवों और संग्रहालयों के दौरे के माध्यम से देश के इतिहास और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक अनुभवों में से एक बोडू बेरू नृत्य है, जो ड्रम के साथ किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। मालदीव अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। क्रिस्टल स्पष्ट पानी, सफेद रेतीले समुद्र तटों और प्रचुर समुद्री जीवन के साथ ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसी जल गतिविधियों का आनंद लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, जो इसी नाम के द्वीप पर स्थित है। मालदीव में अन्य उल्लेखनीय द्वीपों में अडू एटोल, बायटोल और हालिफ एटोल शामिल हैं। अपने निम्न भूगोल के कारण मालदीव जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, जिसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान की गतिविधियों में वृद्धि शामिल है। सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रयासों सहित इन मुद्दों को हल करने के लिए उपाय किए हैं। निष्कर्ष अंत में, मालदीव एक सुंदर और अनूठा गंतव्य है, जो कई प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों की पेशकश करता है। चाहे आप समुद्र तट पर विश्राम की तलाश कर रहे हों या पानी में रोमांच की, मालदीव में सभी के लिए कुछ न कुछ है। अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, शानदार रिसॉर्ट्स और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ मालदीव वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग है।